से हैं आप लोग? चलिए काफी सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ट्रैफिक के इशू था, दौड़ते भागते मैं आया हूँ। मेरे ऑफिस में सारा सेटअप मेरा मॉर्निंग का ऑफिस में है, सॉरी एक दो मिनट लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, होता है कभी कभी, संडे का दिन। चलिए कौन कौन ज्वाइन कर लिए, प्रियंका, हेलो प्रियंका, बंटी, अभिषेक, जय, ओनली स्टडी, सुषमा, बंटी, सिद्धार्थ, दीप्ति, अमन, ठीक है, इमरान खान, कीर्ति, ठीक है, अल्बर्ट, शुभम, आदित्य, ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए सभी लोग आ गए क्या? वल्लभ भाई सागर, शिवम, आदित्य, शबनम, हाय सर दिस इज माय फर्स्ट क्लास, आई एम फ्रॉम लखनऊ, वेलकम, मनीष यादव, चलिए उत्तम, रमेश, जूरी रॉय ज्वाइंट, वेरी नाइस नेम, खुशबू कुमारी, हेलो है बेटा आपको, नमस्कार, भरत, ठीक है, वेरी गुड। चलिए काफी सारे लोग आ गए हैं, सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। तपस, हेलो गुरुजी बोल रहे हैं, नमस्कार है भाई, हेलो, ठीक है। उत्तम राय, उत्तम रे, आई एम फ्रॉम असम, बहुत अच्छी जगह से भाई, स्वागता, चलिए नमस्कार, स्वागता, वेरी नाइस नेम, चलिए अच्छे अच्छे नाम वाले लोग आ जाए, रमेश सुरेश टाइप के लोग नहीं है लग रहा आज। ओके चलिए, सो हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज देवतीर्थ साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ देव स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड आई एम इंग्लिश गुरु, पब्लिक स्पीकर एंड ऑथर, आई हैव बीन टेकिंग क्लासेस फॉर द लास्ट 16 इयर्स एंड आई डू हैव टॉट मोर देन 3 लाख टू 4 लाख पीपल, आई हैव नेवर काउंटेड बट आई मस्ट से कितने लोग तो शायद डायरेक्टली इनडायरेक्टली पढ़ चुके होंगे एंड आई एम अ पब्लिश्ड ऑथर, ठीक है, मेरी बुक है माइंड योर इंग्लिश, काफी पॉपुलर है, रोज हम कम से कम 70 से 80 किताब बेचते हैं, really it's very interesting for those people who are from Hindi medium background, or now I'm teaching in plus or recently have joined in the month of January, ठीक है, तो आज हम एक अलग session में बात कर रहे हैं, वैसे that I have been enrolled for the teaching in SSC and CHSL and CGL, but थोड़ा सा हटके मैं काम करने जा रहा हूँ आज, that as you have, you might have seen the title, tips to improve spoken English, sir your book helped me a lot, thank you, oh really you have purchased that book? Uttam Ray, you got that my book? Okay, चले प्रीति ने ज्वाइन किया है, लक्की ज्वाइन कर लिए हैं, काफी सारे लोग ज्वाइन कर लिए हैं, एक बार जितने लोग भी एक्टिव हो गए प्लीज एक बार मेरे को थंब दिखा दीजिए, अगर 10 थंब आ गए तो फिर मैं पढ़ाना शुरू कर देता हूँ, ठीक है, 16, 28, 30, 36, 40, 44, 44 थंब, 45, 6, अच्छा ऐसा तो नहीं कि बार बार कई लोग वही वही दबा दे रहे हैं, ऐसा भी तो नहीं है ना, ठीक है, डॉक्टर डेडलॉक, ओ माय गॉड, डॉक्टर डेडलॉक, उत्तम सर, यस सर, बिफोर 3 मंथ, 3 महीना पहले ही आपने खरीद लिया, शाबाश, उत्तम झूठ बोल रहा है सर, वो ज्यादा झूठ बोलता है, आई एम फ्रॉम असम, असम के लोग झूठ नहीं बोलते यार, राम राम सर जी, नमस्कार, जय महाकाल, बिल्कुल महाकाल ने तो मेरा करियर बदल दिया है, महाकाल के दर्शन हुए हैं उसके बाद से तो लाइफ बन गई है भाई मेरी, चलिए तो सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, मैं देवतीर्थ साहू, सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल क्लास में और बड़ा मजेदार हम बातें करेंगे आज, तो जैसा कि एज आई हैव डिसाइडेड द टॉपिक टिप्स टू इम्प्रूव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, नो डाउट, देखिए कि अंग्रेजी के 5 स्तंभ है जिसको हमको इम्प्रूव करना है, पहला इंग्लिश में बोलना, दूसरा इंग्लिश में पढ़ना, तीसरा सुनना, चौथा है लिखना और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो ये 5 जो है जिन पे हमको अपना महारत हासिल करना है, ठीक है, इसमें सबसे कठिन जो होता है वो है बोलना, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी तो हार्ड है, नो डाउट, ठीक है, और सबसे आसान होता है लिखना, या अगर मैं कहूं पढ़ना या कहूं सुनना, सबसे हार्ड होता है बोलना, क्यों हार्ड है, लेट मी टेल यू, जब आप इंग्लिश में बात करते हैं तो बोलना इसलिए हार्ड होता है क्योंकि आपको तुरंत बोलना है, लिखते समय आपने गलत लिख दिया तो काट के करेक्ट कर सकते हो, ठीक है, पढ़ रहे हो तो आप 2 बार 3 बार पढ़ सकते हो, लेकिन बोलते समय आपको तुरंत बोलना है, ठीक, फिर बोलते समय आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, फ्रेजेस, ईडियम, सारे चीजों की जानकारी होनी चाहिए, और तीसरा सबसे बड़ा समस्या पता है क्या, समस्या का नाम है क्या कहेंगे लोग, बोलते ना दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हेजिटेशन प्रॉब्लम,
ठीक है ना। तो आप में से कितने लोगों को इंग्लिश बोलते समय हेजिटेशन की इश्यूज होते हैं, डर लगता है कि यार गलती ना हो जाए। चलिए जल्दी से बताइए, यस करके लिख के बताइए, वाई लिखिए, लिख के बताइए, थम मत दिखाइए। मी, मुझे, पंकज को होता है, आकाश, सुजॉय को होता है, मुकुल, सुजॉय, एयरटेल जियो, बंटी को भी हो रहा है, उत्तम, शिव कुमार ज्वाइन किए, स्वागत है बेटा, मनीष, अंशुमन चटर्जी, सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत बोलूंगा तो प्लीज आई बेग योर पार्डन, बहुत है, स्वागतानंदी, शुभम, चलिए, काफी सारे लोगों को स्पोकन में दिक्कत होता है, ठीक, चलिए, ठीक है। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और मजेदार बात मैं बता दूं कि मैं खुद हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से रहा हूं, ठीक है, और मेरी जो इंग्लिश है, बाप रे माशा हल्ला था, बड़ा खतरनाक मैं मेरी इंग्लिश थी, ठीक है। और देखिए मैं, मेरी इंग्लिश खराब होने के बाद आज मैं इंग्लिश में ही अपना करियर बनाया, मुझे 17 साल हो गए पढ़ाते हुए और YouTube में मेरे 280,000 सब्सक्राइबर है, कैन यू बिलीव 280,000 इतने सब्सक्राइबर्स है, और मेरे सारे वीडियोस को 1,10,00,000 बार देखा गया है, 1,10,00,000 बार, 10 लाख मुझे लाइक्स मिले हैं, और मेरी जो किताब है अमेजन पे 7,50,000 किताबों को बीट करके 500 रैंक तक पहुंच चुका है, और मैं क्या बताऊं, ठीक। तो आज मैं अपने लाइफ के बहुत सारी बातें, एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, और यकीन जानिए ये एक घंटा आपके बिल्कुल काम के लिए रहेगा। मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आराम से पेशेंटली थोड़ा सा इस बातों को सुनेंगे और मेरे टिप्स को आप फॉलो करेंगे, मैं बहुत सारे टिप्स और बहुत सारी बातें आपको बताने जा रहा हूं। सो एज आई टोल्ड अबाउट दैट, आई जस्ट कंप्लीटेड माय मैट्रिकुलेशन फ्रॉम हिंदी मीडियम और मेरी इंग्लिश बहुत खराब थी, ठीक है। और कैन यू बिलीव कि हिंदी मीडियम के बच्चों को, आप में से भी बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे या दूसरे मीडियम से होंगे जो इंग्लिश में पढ़ाई नहीं किए होंगे, तो हम इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट मानते आए हैं। जब व्हेन यू एंटर इन द क्लास 6, तो योर मैम या योर सर माइट हैव टोल्ड कि बेटा एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नेम दैट द नेम ऑफ दैट सब्जेक्ट इज इंग्लिश। एक 50 नंबर का पेपर आएगा जिसमें डू एस डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर ऐसे एप्लीकेशन लेटर्स होंगे जिसको आपको बनाना है, और हम गरीब लोग जैसे तैसे खींच तान के उसमें 17 नंबर ले आते थे और गंगा नहा लेते थे कि भाई 17 नंबर बस मिल जाए इंग्लिश में। तो इंग्लिश इज जस्ट लाइक हवा, हवा मीन्स बग बियर या बगाबू, बगाबू हवा, हवा बगाबू, तो हमारे लिए तो हवा था यार, बाप रे इंग्लिश क्या होगा कैसे होगा, गुरु जी मुझे इंग्लिश इंप्रूव करना है प्लीज। मोहम्मद खालिद पाशा, बिल्कुल दोस्त, मैं पूरा आपके लिए हूं, आपकी मैं मदद करूंगा, और ये सेशन मैं ले भी रहा हूं उसी लिए क्योंकि काफी सारे बच्चों ने, बाहर कोई चिल्ला रहा उसको भी अंग्रेजी सीखना ऐसा प्रतीत हो रहा है, एक्चुअली दिस इज अ मार्केट प्लेस, ठीक है, तो कुछ लोग घूम रहे हैं। नीतू, प्रिया, बबली, ठीक, हाँ सर, उत्तम, रे रे है ना आप, रे है कि राय, रे रे, लीजा रे वाला, सुमित है वो रद्दी खरीदने आया, ठीक है, चलो अच्छा काम कर रहा है, कचरा खरीद रहा है, शाबाश। तो जस्ट एज आई टोल्ड यू कि मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई और क्लास 6 के बाद से आप लोग वंडर ऑफ साइंस ऐसे याद करते थे क्या, वंडर ऑफ साइंस, मैं क्लास 6 में वंडर ऑफ साइंस याद किया, फंसा पास हुआ ग्रेस लेके 8, 9, 10, 11, 12 वंडर ऑफ साइंस वही छाप के आता था, 12th में वो फंसा नहीं, देन आई चीटेड, मैंने चीटिंग किया, अपने दोस्त का नकल मार के मैं 12th पास किया, आई गॉट डिस्टिंक्शन इन मैथ्स एंड फिजिक्स, बट आई गॉट जस्ट 18 मार्क्स इन इंग्लिश, कैन यू बिलीव। एंड द वेरी फर्स्ट डे व्हेन आई एंटर टू माय इंजीनियरिंग कॉलेज, आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग फ्रॉम MITS इंजीनियरिंग कॉलेज ग्वालियर, गवर्नमेंट का कॉलेज है वो, वहां से 1997 में मैं वहां एंटर किया, और I remember the very first incident, what it happened with me. I filled my form and I gave to the clerk. He threw my form. उसने मेरा form फेंक दिया और बोलता है सर इंजीनियर बनने जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल की स्पेलिंग आपको नहीं पता और तो और मंडे की स्पेलिंग नहीं पता, could you believe मैंने मंडे का स्पेलिंग ये लिखा था मंडे की स्पेलिंग मैंने ये लिखा था, the clerk threw my पेपर, माई फॉर्म। चलो उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई, द वेरी फर्स्ट डे आई रिमेम्बर
इलेक्ट्रॉनिक की क्लास चल रही थी, आई हैड टेकन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, मैंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच लिया था, और इलेक्ट्रॉनिक्स भी हम लोगों को पढ़ाया जाता है, कुछ ट्रांजिस्टर वगैरह पढ़ा रहे थे, सॉरी आई बेग योर पार्डन, ही वाज अ ग्रेट सर, गुप्ता सर थे हमारे, आर के गुप्ता सर। पढ़ा लेने के बाद आफ्टर 40 मिनट्स ही सॉ मी, उसने बोला यस स्टैंड अप, व्हाट आई टॉट प्लीज एक्सप्लेन, बोला ए, मैंने बोला ए, तो वो समझ गया, तो उसने बोला कि भाई जो मैंने पढ़ाया उसको समझाओ, मैं बोला सर मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, then he told why, what is the reason, सर आप इंग्लिश में पढ़ा रहे हो, मैं अपन ठेठ हिंदी मीडियम वाले पूरा ऊपर से पहुंच जा रहा है, can you believe, उसने क्या कहा, सर ने कहा कि अगर ये इंग्लिश आपको समझ में नहीं आ रही है तो बेटा तेरे से इंजीनियरिंग नहीं होने वाला, इतना सिंपल इंग्लिश मैंने पढ़ाया, अगर तुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा। आई केम टू हॉस्टल, आई क्राइड होल नाइट, रात भर मैं रोता रहा, मैं अपने सीनियर को बोला कि सर मेरे इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं, मैं छोड़ने जा रहा हूं, बट सीनियर समझाया चिंता मत कर, होता है फर्स्ट ईयर का है, कैसे कैसे पेपर निकल जाएगा, और मैंने निकाला भी। वो सब चीजें मुझे याद है कि कितनी सारी मैंने गलतियां किया। एक दिन तो और मजेदार बात, मैं घटना बता दें कि मैं भी माहौल बना रहा हूँ, ठीक है सारे बच्चे और आ जाए, फिर उसके बाद मैं काम के टिप्स दूंगा। मेरी इंग्लिश इतनी खराब थी, 6 महीने के क्लास के बाद एक कुछ और फॉर्म भरना था, मैंने अपने पिताजी के नाम के आगे लेट लिख दिया। अब मेरा रूम पार्टनर मेरे शहर का था, देन ही सॉ द फॉर्म, देन ही टोल्ड कब हुआ, क्या हुआ, कैसे, बोला क्या हो गया बे, पापा लेट, हाँ लेट लगाया पापा के नाम, लेट धन्नालाल साहू, कब हो गए, मतलब क्या हो गया, क्या बोल रहा है तू, बोला तू पापा के आगे लेट लगाया है, मेरे को तो पता ही नहीं चला, बोला तू कहना क्या चाहता है भाई, समझ में नहीं आ रहा मेरे को, बोले तू लेट लगाया है, पता है लेट का मतलब क्या होता है, बोला हाँ लेट का मतलब होता है महानुभाव, बड़े लोग, ग्रेट पर्सनालिटी, लेट लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री के आगे लेट लगा मतलब महानुभाव, बड़े लोगों का आगे लेट लगता है, मेरे पापा भी बड़े मेरे लिए, मैंने लेट लगा दिया, भाई लेट यानी स्वर्गवासी होता, ओ माय गॉड, मेरे को ये भी नहीं पता था कि लेट का मतलब स्वर्गवासी होता है, मुझे लगा बड़े बड़े लोगों के नाम के आगे लेट लगा है, लेट पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेट ऐसा करके अपन ने भी लगा दिए, तो ऐसा तो खतरनाक अपनी इंग्लिश थी, और इंग्लिश खराब थी भाई तो जिंदगी में एक लड़की पटा नहीं पाए, सॉरी मैं ये प्लेटफॉर्म में बोल रहा हूँ, बींग का एजुकेटर ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए, बट मेरा नेचर है कि मैं थोड़ा फ्रेंडली पढ़ाता हूँ, तो 4 साल में हमने कोई लड़की ही नहीं पटा पाए, कोई घास ही नहीं देती थी, क्योंकि इंग्लिश तो हमारी माशाल्लाह, क्योंकि क्लास में जब लेक्चर्स होते थे और कोई मैम कुछ सवाल भी पूछती थी तो हम लोग आंसर देते नहीं थे, और देते भी तो हिंदी में देते थे, हमारा पूरा वाइवा हिंदी में जाता था, हमारा प्रेजेंटेशन हिंदी में जाता था, तो जब हम प्रेजेंटेशन शुरू करते थे लोग हंसना शुरू कर रहे, देखो कैसे गंवार लोग आ गए, क्योंकि बहुत प्रेस्टिजियस कॉलेज है, MITS इज रियली ग्वालियर का बड़ा प्रेस्टिजियस कॉलेज, वहां पे सिलेक्शन होना मतलब गर्व की बात होती थी, वो भी 1997 गवर्नमेंट कॉलेज, 1500 रुपए फीस हुआ करती थी उस समय, तो बड़ा बेकार लगता था यार कॉलेज में रह के, इतने अच्छे कॉलेज में भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना पाए, समझ में आया इंग्लिश के कारण। फिर आई स्टार्टेड टू टीच, टीचिंग का पैशन था तो मैं टीचिंग स्टार्ट किया, आई यूज टू टीच इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। फिर एक दिन मेरे कुछ मेरे भाई के दोस्त के साथ मेरा बहस हो गया, उसने कहा कि तुम हिंदी मीडियम वाले धरती के बोझ हो, तुम लोग की औकात कुछ भी नहीं है, तुम लोग नाली के कीड़े के समान होते हो, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश तो बोलना आता नहीं है, तुम लोग को करोगे क्या। दैट डे चेंज माई लाइफ। मैं बोला अरे आदमी बहुत बड़ी बात बोल दिया, मैं बोला यार अभी तो बहुत बड़ी बात बोल दी कि दैट हिंदी मीडियम वालों की औकात नहीं है कि वो इंग्लिश बोल के दिखा पाए। That day I left my teaching. मैं बोला इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा नहीं, और इस बंदे ने कह दिया कि ये हिंदी नहीं बोल, इंग्लिश नहीं बोल सकता, बेटा अब तो मैं इंग्लिश बोल के भी दिखाऊंगा और ऐसे हजारों बच्चे पैदा कर दूंगा मेरे शहर में कि तेरे को इंग्लिश बोल के दिखाएंगे। That day I took a book named Rapid X English Speaking Course. You might be knowing the name of that book, very popular. हमारे लिए तो बाइबल है वो, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो बाइबल है वो। वो किताब मैंने उठाया, कैन यू बिलीव 15 दिन में मैंने पूरे वोकैबुलरीज और पूरे ग्रामर चाक मारे, 6-6 घंटा 8-8 घंटा बैठ के उसके पीछे करीब 2200 वोकैबुलरीज थे, सारे रूल्स थे ग्रामर से, 15 दिन में निपटा दिया मैंने। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया टीचिंग, कि आज मैं पढ़ाता हूं, बिकॉज टीचिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, दैट्स माई फिलोसफी। अगर आप सीखना चाहते हैं पढ़ाना शुरू कर दीजिए,
तो मैं टीचिंग करता जाऊंगा तो फिर मेरी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी। फिर मैंने बच्चों को पकड़ा, मेरे को दो बच्चे जुगाड़ने में 3 महीने लगे, मैं उनसे 150 रुपए महीना फीस लिया मात्र, 150 रुपीज, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द ईयर 2002, 150 रुपए उनको जबरदस्त पढ़ाया, उससे भी मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई, बच्चों की भी इंग्लिश इंप्रूव हुई। फिर धीरे धीरे बच्चे बढ़ते चले गए, मेरा भी स्पोकन अच्छा होता गया, और वो दिन है और आज का दिन है। नाउ इट इज 2020, आई हैव टॉट ऑफलाइन कम से कम 15,000 बच्चे, बुक मेरी एप्लीकेशन कैन यू बिलीव 1.3 मिलियन डाउनलोड है। देन आई आल्सो इन्वाइटेड टू टीच प्रिजनर्स पूरे इंडिया में, मैं इकलौता एक ऐसा एजुकेटर हूँ इंग्लिश का जो जेल में भी पढ़ाया, मैं करीब करीब 18 महीने सारे कैदियों को भी पढ़ाया है। दिस वॉज अमेजिंग, बीबीसी में इनका इसका इंटरव्यू हुआ कि कैदियों को भी अंग्रेजी सिखाया मैंने। तो ये यहाँ से फिर लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई। देन आई रिसीव द कॉल फ्रॉम अनअकैडमी इन द मंथ ऑफ दिसंबर कि सर आप अच्छा कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप अनअकैडमी जुड़िए। मैंने काफी समय लिया, जाऊं कि नहीं जाऊं कि नहीं, फिर अल्टीमेटली आई कंसल्टेड विद माई ऑल माई फ्रेंड्स, फिर बोले यार अनअकैडमी भी ज्वाइन करो। नाउ स्टार्टेड टू टीच इन अनअकैडमी ऑल्सो। तो चलिए, तो सर आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश नॉट ऑफ मिरर, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो अब मैं अपने कुछ लाइफ के चीजों को एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने, अब मैं आपको कुछ खास टिप्स देना चाहता हूँ कि जिससे हमारा स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव हो। देखिए, इस चीज को तो आपको समझना पड़ेगा कि भाई अंग्रेजी के बिना ना पत्ता नहीं हिल सकता, इस चीज को तो आप मान लो। आप कितने भी टैलेंटेड हो, यू आर द टॉपर ऑफ यूनिवर्सिटी बट यू डोंट नो इंग्लिश, योर डिग्री इज जस्ट गार्बेज। देखिए बात बड़ा कड़वा है, बट दिस इज अ बेटर ट्रुथ। इंडिया में इंग्लिश इतना हावी हो चुका है, इतना हावी हो चुका है, एक लैंग्वेज आपकी पर्सनालिटी का सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन बन गया भैया। आप अंदर से कितने भी अच्छे हो या घटिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको अच्छा माना जाएगा। ये गलत बात है लेकिन ये हो रहा है, आप ये फैक्ट है। आप किसी से हिंदी में मदद मांगो कोई नहीं देगा, इंग्लिश में कुड यू हेल्प मी दैट, कुड यू टेल मी द एड्रेस बिकॉज़ आई हैव बीन सर्चिंग फॉर द लॉन्ग टाइम, आई एम नॉट गेटिंग द एड्रेस, कुड यू हेल्प मी सर। ओ रियली, क्यों नहीं, आप ऐसे जाइए, राइट जाइए, लेफ्ट जाइए और हिंदी बोलो, भाई एड्रेस बताएगा, चलना जाना दे, टाइम नहीं मेरे पास, चल एक बार पता कर, लाइक दैट। आप बैंक जाइए इंग्लिश में बात कीजिए, आपको अलग ट्रीट किया जाएगा। एयर होस्टेस आप इंग्लिश में बात कीजिए, आपको मनचाहा सीट मिल जाएगा। आप किसी भी जगह किसी भी ऑफिस में जाइए इंग्लिश में, इवन पुलिस स्टेशन में भी आप जाइए इंग्लिश में बात कीजिए, अरे कोई सर इंग्लिश में बात कर रहा है, लाइक दैट। मैं एक घटना शेयर करता हूँ इंग्लिश की ताकत में, आपको मैं बताता हूँ। जब मैं इंजीनियरिंग में था फर्स्ट ईयर में, तो हम लोग टिकट नहीं कटाते थे, ग्वालियर से मैं अपना शहर, हम लोग बिना टिकट के जाते थे। तो एक बार हम लोग को टीटी ने पकड़ लिया, ठीक है, तो टीटी ने पकड़ लिया, पैसे तो थे नहीं और देना भी नहीं था, मैंने ना उल्टा सीधा इंग्लिश में बात किया, वो करीब करीब 2 मिनट मेरी बात को सुना, फिर बोलता ठीक है बैठ जाओ। फिर समझ में आया कि इंग्लिश की ताकत कितनी अच्छी की, इंग्लिश में उसको कुछ भी चिपकाया वो मेरे को बैठने दे दिया। तो ये इंडिया है, यहाँ पर आपको काउंट किया जाता है, आपको अच्छा माना जाता है आपके लैंग्वेज को देखकर, और लैंग्वेज बोले तो इंग्लिश। अब आप देखिए इंग्लिश का बोलबाला देखिए भाई, ठीक है, देख बोलबाला देखिए, आप अपने शहर में देखिए, आई जस्ट चैलेंज यू, आपके शहर में देखिए कोई हिंदी मीडियम स्कूल नहीं खुला होगा, सारे इंग्लिश मीडियम खुल रहे हैं, और इवन मैं जिस हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा था वो सारे के सारे बंद हो गए। और बीना खान सर कब पढ़ाओगे, भाई पढ़ाना है ही नहीं, ये तो टिप्स देने आ रहा हूं मैं, आज का टॉपिक देख लो ना भैया, टिप्स टू इंप्रूव स्पोकन इंग्लिश, टिप्स दे रहा हूं मैं, कोई ये पेन वेन से पढ़ाने वाला नहीं हूं मैं, आज टिप्स देने जा रहा हूं। तो पहले तो समझ तो लो कि इंग्लिश क्या चीज है, ठीक है, क्या पढ़ाऊं मैं आप लोगों को, यही तो पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। तो हाँ, अब जैसे ये चंदन बता रहे हैं उड़िया मीडियम, तो ये सब दिक्कत है बेटा, तो इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू की अगर आप बात करें, ठीक है, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चलिए ठीक है, आजकल आप इसकी अगर आप बात करते हैं CHSL या CGL, जिसमें इंटरव्यू वगैरह तो तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर आप लाइफ में इंटरव्यू निकालना चाहते हैं, इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। जितने भी SSC CDS के इंटरव्यूज होते हैं, हिंदी बोले भगा देते हैं आपको। चलो आपकी जैसे तैसे जॉब लग भी गई, किसी कंपनी में आप काम भी कर रहे हो, आपका अप्रेजल होगा, आपका प्रमोशन आपका कम्युनिकेशन स्किल को देखकर होगा, पूरी की पूरी आज की कीमत जबान की है भाई, टैलेंट सेकेंडरी हो गया, जबान
आपका जवान से कितना अच्छा बोलते हो, बिल्कुल मोदी को आप देखिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो आप जानिए, लेकिन जवान देखिए क्या गजब बोलता है बंदा। तो आपको बोलने आना चाहिए और बोलने में भी इंग्लिश, मोदी जैसा आदमी भी आज इंग्लिश सीख के स्पीच दे रहे हैं, उनको भी पता है कि इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, तो इंडियन के लिए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। ठीक है, चलिए अब आपको मैं टिप्स दे देता हूं कि इंग्लिश आप कैसे इंप्रूव करेंगे। अब मेरा एक छोटा सा सवाल है, अगर आप अच्छा इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या सीखना होगा, चलिए जल्दी से बताइए। अगर आप में से जितने लोग भी हैं तो फटाफट मुझे बताइए, आप खुद सोचिए कि अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो क्या सीखना पड़ेगा, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चलिए जल्दी बताइए। ठीक है पाशा, मैं आपको बताऊंगा। बंटी बोल रहे हैं वर्बल, कोई बोल रहा है वोकैबुलरी, वर्ड स्टॉक, वोकैब, बेसिक ग्रामर, एक्सेंट वोकैब, चलिए जल्दी बताइए, मुझे भी तो पता चलना चाहिए ना आप क्या सोचते हो। वोकैबुलरी अल्बर्ट, वोकैबुलरी साहू जी, वर्ड निमिषा सिंह ज्वाइन किए हैं, चलिए जल्दी बताइए कि अगर आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो क्या सीखोगे। बेसिक ग्रामर, चंदन मोहंती, एवरीथिंग, एवरीथिंग में क्या आता है भाई, तो डिटेल में बताइए, मुझे भी तो पता चले ना कि आप लोग क्या सोचते हो, फिर मैं टिप दूंगा आप लोग को, चलिए जल्दी बताइए। सेकंड है वोकैबुलरी एवरीथिंग, चलिए जल्दी बताइए सब लोग। अभिषेक ने ज्वाइन किया है, वर्ड स्टॉक, अंशुमन चटर्जी, ठीक। अच्छा मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ठीक है, ग्रामर कितना इंपॉर्टेंट है स्पोकन इंग्लिश के लिए, अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ग्रामर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, ग्रामर में ध्यान देना चाहिए कि नहीं, यस या नो, वाई और एन टाइप करके बताइए, वाई या एन, ठीक है, अल्बर्ट वाई, अभिषेक वाई, साहूजी वाई, ऑफकोर्स वाई और एन, मुकुल कुमार एन, ठीक है बेटा मुकुल आ रहा मैं तेरे पास, चंदन तुमसे भी पूछूंगा, ठीक है चलिए वाय, साक्षी सुमन, चलिए सब लोग रिप्लाई करें तो यार पढ़ाने पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, और फिर लास्ट में मैं टिप्स दूंगा, बड़ा गजब का टिप्स आने वाला है, ठीक है, ये वीडियो तो वायरल हो जाएगा यूट्यूब में पक्का, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक यूट्यूब में अपना चैनल पे मैंने जब इसको किया था 8 लाख व्यूज आया है, 8 लाख, ठीक है, तुम लोग सोच रहे हो सर अपनी तारीफ करने के लिए बुलाया है क्या, है ये क्या हो गया, झंडे गाड़े काम की बात तो बता नहीं रहे हो, ठीक है यार एक घंटे क्लास है इतनी हड़बड़ी क्या है, संडे तो है आज, होली की तैयारी करी ली होगी तनीषा, ठीक है चलिए टिप नंबर वन। तो जितने लोग भी सोचते हैं कि भैया ग्रामर से इंग्लिश आती है ग्रामर सीखना पड़ेगा, तो गलत सोचते हो। 99% केस में क्या होता है कि वेन यू ज्वाइन एनी पर्टिकुलर कोचिंग वो ग्रामर ही सिखा रहा है आपको, ठीक है ना, तो ग्रामर सीखने से अंग्रेजी आ जाती है तो भैया हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्लास 6 से लेकर 12 तक क्या झक मारे थे क्या, 7 साल ग्रामर पढ़े हो आप लोग, और इवन इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे जो लोग देख रहे होंगे, इवन उड़िया मीडियम वाले को, फिर बाकी मीडियम को तो मैं नहीं जानता, ठीक है, तो 7 साल क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक 7 साल आप ग्रामर पढ़ते हो, और 7 साल ग्रामर पढ़ने के बाद एक लाइन सीख पाते हो क्या, मे आई कम इन सर, और अगर कोई टैलेंटेड बच्चा है तो एक और लाइन बोल लेता है, मे आई गो टू टॉयलेट सर, हम लोग बोलते हैं साला देख इंग्लिश बोल रहा है, मे आई गो टू टॉयलेट बोल रहा है, बाकी लोगों तो मैं नहीं जानता, हिंदी मीडियम वालों के साथ तो यही था कि मे आई कम इन सर, ये हम लोग सीख पाए, इज इट सो, ठीक है, तो 7 साल ग्रामर सीखने के बाद जब आप सीख ही नहीं पाए तो मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि भैया ग्रामर से इंग्लिश नहीं आती। चलो मैं आप लोग से ही पूछता हूँ, आपके परिवार में कोई छोटा बच्चा है क्या, कोई 1.5 साल 2 साल 2.5 साल 3 साल का कोई भतीजा, कोई भांजी, कोई भतीजी है? कोई बच्चा आपके है परिवार में होगा, है आपके परिवार में होगा, पड़ोस में होगा, या आपके आसपास कहीं होगा, बड़े भैया के यहाँ होगा, चाचा के यहाँ होगा, फूफा के यहाँ होगा, कोई ना कोई छोटे बच्चे तो होंगे। अब आप ये देखिए 2 साल या 2.5 साल का बच्चा, 2.5 साल 3 साल का बच्चा फर्राटेदार हिंदी, अगर हिंदी भाषी के हो, उड़िया हो तो उड़िया बोल लेगा, तेलुगु का बच्चा तेलुगु, बंगाली बच्चा बंगाली, मराठी बच्चा मराठी बोल लेगा, इज इट सो, तो 3 साल 3.5 साल होते होते तक बच्चा जो है वो फर्राटेदार तेलुगु तमिल बंगाली उड़िया बोल ले रहा है। अब मेरा एक सिंपल सा सवाल है, क्या आपके परिवार में कोई छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है 1.5 साल बाद जब वो मुंह खोलना शुरू करता है उसको आप हिंदी सिखाते हो तो क्या पहले ग्रामर सिखाते हो क्या? यू टीच हिम और हर अ ग्रामर, अ पोर्शन ऑफ अ ग्रामर, एक छोटे से बच्चे को क्या आप ग्रामर सिखाते हो पहले हिंदी? बेटा उसको हिंदी सीखना है बोलना तो आप पहले हिंदी का ग्रामर सिखाते हो क्या? है
नहीं आप ग्रामर नहीं सिखाते, आप सीधा बोलना सिखाते, बोलो बेटा पापा, बोलो बेटा मम्मी, बोलो बेटा चाचा, बोलो बेटा ताऊ, बोलो बेटा ये, बोलो बेटा आओ जाओ करो खेलो, डायरेक्ट बोलना सिखाते हो। और 3 साल का होते होते बच्चा 3.5 साढ़े 3 से फर्राटेदार हिंदी बोलता है, तेलुगु बोलता है, तमिल बोलता है, बंगाली बोलता है। आप उसको डायरेक्ट बोलना सिखाते हो, ग्रामर नहीं सिखाते। कि ऐसा तो नहीं सिखाते बेटा मैं प्रथम पुरुष, तेरे पापा द्वितीय पुरुष, बाकी लोग अन्य पुरुष, है पहले प्रत्यय बोलो, उपसर्ग बोलो, ये दोहा है, ये सोरठा है, ये प्रसंग है, ये उपसर्ग है, ये ऐसा सिखाते हो क्या हिंदी में? नहीं, डायरेक्ट बोलना सिखाते हो। तेलुगु वाले लोग को भी तेलुगु सिखाते हो, बंगाली। अच्छा चलो, एक अंग्रेज का बच्चा भी कैसे सीखता होगा अंग्रेजी, जरा सोचो तो जरा। ठीक है, एक अंग्रेज के घर में एक बच्चा पैदा हुआ, 2 साल 2.5 साल आते आते उस बच्चे को तो फर्राटेदार इंग्लिश आ चुकी होती होगी, बल्कि उसको तो पता ही नहीं होता कि ये नाउन सिंगुलर या नाउन प्लूरल है, ये प्रोनाउन है, आई प्रोनाउन होता है, उसको पता होगा क्या? इसको 12 टेंस होते पता है क्या? उसको नरेशन पता है क्या? ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये, है? उसको पता होगा एक्टिव वाइज पैसिव वाइज? कुछ नहीं पता, सफा चट, फिर भी फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेता है, प्रैक्टिस कर पाते उससे। बिकॉज ऑफ मदर टंग, अरे बच्चा जब पैदा होता है उसको कोई टंग ही नहीं होता, समझ में आ रहा ना? आप उसका उसको मदर उसको सिखा के उसको मदर टंग बना देते हो। मान लो अंग्रेज के घर कोई बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा चोरी हो गया, और चोरी होकर उसको कोई जापनीज लेके चले गए, तो उसके घर वाले तो उसको जापनीज सिखा देंगे, तो बच्चा अंग्रेज का है लेकिन बन जाएगा जापनीज। और मान लो अगर उसको कोई चाइनीज चुरा लेके, चाइना तो नाम ही मतलब साले कोरोना वायरस फैला रहे हैं लोग, मान लो उसको फ्रांस ले गए तो उसको तो फ्रेंच आ जाएगा, तो उसका मदर टंग तो फ्रेंच बन गया ना। तो आप बचपन में जो उनके पेरेंट्स सिखाते हैं वही मदर टंग बनेगा ना। माँ बाप कौन है, कौन पैदा किया, वो सेकेंडरी, आप कौन सा लैंग्वेज सिखाते हो ये मैटर करता है। तो बच्चा को आपने सिखाया कैसे? डायरेक्ट प्रैक्टिस करवाते, समझ में आ रहा है ना? डायरेक्ट प्रैक्टिस, बच्चा सुनता है शब्दों को, माइंड में रिकॉल करता है, मुंह से बोलता है। सुनना, रिकॉल करना, बोलना, सुनना, रिकॉल करना, बोलना, दिस इज कॉल्ड लर्निंग ऑफ लैंग्वेज। सुनो, रिकॉल करो, बोलो, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, उतना आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। अब सवाल उठता है कि सर फिर दुनिया जहां के लोग इतना ग्रामर क्यों पढ़ाते हैं? तो याद रखिए, इंग्लिश बोलने के लिए प्राइमरी ग्रामर नहीं है, प्राइमरी है प्रैक्टिस। ग्रामर का रोल होता है सेकेंडरी, बोले गए सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए। इस फंडे को समझिए, 17 साल हो गया मुझे पढ़ाते हैं और बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास में अंग्रेजी सीखे। यही तरीका होता है कि हम पहले प्रैक्टिस करवाते हैं, गलत सलत टूटा फूटा जो मन में आता है वो बोलने का होता है। जो मन में आ रहा है बोलिए, बकवास कीजिए, जिब्रिश जिसको हम लोग बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गलत सलत बोल दिए, गलत सलत बोलने के बाद अब आपका काम क्या रहता है? उन गलतियों को सुधारने के लिए ग्रामर पढ़ के ठीक करो। जैसे मैं बोलता हूं, यू वेटिंग आई कमिंग, ही केमिंग एंड कूदिंग इन गड्ढा। अब जैसे टूटा फूटा मैंने उल्टा सीधा गलत सलत इंग्लिश बोला, फिर भी चलो मैसेज आपको समझ में आ गया कि सर यहां बोल रहा है वेट करो, वो आ रहा है तो गड्ढे में कूद गया, लाइक दैट, इज इट क्लियर? बट अब इसी को क्या करते हैं कि ये टूटा फूटा इंग्लिश को जो भी आपने बोला ग्रामर पढ़ के उसको सुधार लो। यू जस्ट वेट हियर, आई एम कमिंग, द पर्सन जंप्ड इनटू द होल। लेकिन टूटा फूटा गलत सलत से स्टार्ट करना पड़ेगा। इसलिए मेरा गुरु मंत्र ये होता है, मैं अपने क्लास की मैं बात करूं, मैं कैसे सिखाता हूं, मेरा गुरु मंत्र है, मैं पहले बोलना सिखाता हूं फिर सही बोलना सिखाता हूं। तो पहले बोलना सीखो फिर सही बोलना सीखो। बट क्या होता है ना हमारे माइंड में कि भैया हम तो बोलेंगे तो भैया हम तो बिल्कुल पहली गेंद पे सिक्स मारेंगे, हम तो मैं मुंह खोलूंगा और मेरे से सही निकलेगा। कैसे सही निकलेगा भैया? असंभव। अगर आप राइट हैंडर हैं, राइट हैंडेड स्टूडेंट है, मैं आपको बोलता हूं चलो लेफ्ट हैंड को पकड़ो और लिख के दिखाओ, लिख पाओगे क्या? नहीं लिख पाओगे, गलतियां ही होंगी। अरे आप अपना नाम नहीं लिख पाओगे? चैलेंज कर रहा हूं मैं आपको। अगर आप राइट हैंडेड हो और मैं बोलता हूं लेफ्ट हैंड से अपना नाम लिख के दिखाओ, नहीं कर पाओगे, गलत सलत हो गई। लेकिन आप प्रैक्टिस करते चले जाइए, करते चले जाइए, गलती पे गलती होता जाएगा, सुधारते जाओ सुधारते जाओ सुधारते जाओ, एक दिन आपको लेफ्ट हैंड से भी लिखना आ जाएगा। तो गुरु मंत्र बिल्कुल क्लियर मैं आपको दे रहा हूं, पहले बोलना सीखना है
फिर सही बोलना सीखना है। लेकिन हम डायरेक्ट सही बोलना चाहते हैं, इसीलिए साला हेजिटेशन आता है, इसलिए डर लगता है, इसलिए घबराहट लगता है, इसलिए हम स्टेज पे नहीं चढ़ पाते कि मेरे से गलती हो जाएगा, सामने वाला हंस देगा, मेरे बारे में क्या सोचेगा, मेरे को वो हीन नजर से देखेगा, मेरे ऊपर वो कमेंट पास करेगा। छोड़ो हटाओ, मैं नहीं बोलता हूं या नहीं बोलती, और हम लोग छोड़ देते हैं इस चीज को, सरेंडर कर देते हैं, लगता है यार इंग्लिश हुआ है और हमारे बस की बात नहीं है। तो ये है सबसे बड़ा समस्या, क्योंकि आपने माइंड को ठीक नहीं किया। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे शहर को बिलोंग करते हो जहां पर आप खेती बाड़ी देख पाते हो, या आपके कोई रिश्तेदार खेती बाड़ी करते हैं? कितने लोग खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं? यस या नो लिखिए, वाई और एन, जल्दी। आपके कोई दूर के रिश्तेदार भी खेती बाड़ी करते होंगे ना, जल्दी बताइए, मैं पानी पी के आता हूं। चलिए मैं ऊपर के मैसेज पढ़ लेता हूँ। चलिए, काफी सारे लोग खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं, ठीक है। गुड आफ्टरनून है, रिमोट विलेज क्या होता है? अच्छा रूपा, रिमोट विलेज मतलब दूर का होता है, रिमोट यानी दूर का, उत्तम नायडू। चलिए, काफी सारे लोग खेती बाड़ी के बारे में जानते हैं, दैट्स कूल। चलिए, सभी को स्वागत है बेटा, बहुत सारे बच्चे आ गए, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, फ्लो ऐसा बन चुका है, ठीक है। अगर आपने खेती बाड़ी देखा होगा तो क्या करते हैं, खेत में जाते हैं और बीज को छिड़क देते हैं क्या? देखिए हमारा भैया खेत है, ये हमारा, दिस इज माय फील्ड, आई हैव सीड्स, आई विल थ्रो इट, ऐसा करते हो क्या? नहीं, बीज को डालने से पहले आप अपना खेत को तैयार करते हो, उसकी सफाई करते हो, खेत की जुताई करते हो, ठीक है, खरपतवार जो भी होता है, फालतू की चीजें हैं वो हटाते हो, देन एक पर्टिकुलर टाइम पे आप बीज डालते हो। ठीक उसी तरह से इंग्लिश बोलने के लिए भी आपका माइंड सही होना चाहिए। जब तक आपका माइंड सेट नहीं होगा, कोई माई कलाल इंग्लिश सीख ही नहीं सकता, ये मैं अपने 17 साल के अनुभव से कह सकता हूं। और जिसका माइंड सेट हो गया, वो बेचारा थोड़ा सा पुअर भी हो स्टडी में, थोड़ा सा पढ़ाई में कमजोर भी है, वो सीख लेगा। मैं ऐसे कई एग्जांपल गिना सकता हूं, इन माई क्लासेस छत्तीसगढ़ स्टेट सेकेंड टॉपर, ठीक है, 98% लेकर आया, उसके बावजूद भी अच्छा इंग्लिश नहीं सीख पाया, वो बीच में ही छोड़ के भाग गया, इतना घबराहट, इतना डर। और मैं जेल में जब पढ़ाता था, एक फिफ्थ फेल लड़का था उड़िया, अच्छा फर्राटेदार इंग्लिश सीख गया। तो आपका टैलेंट का कम होना ज्यादा होना वो सेकेंडरी है, पहले तो माइंड को तो सेट कर लो यार। अगर आपका माइंड सेट हो गया तो टैलेंट नहीं भी होगा तो टैलेंट पैदा किया जा सकता है यार, टैलेंट को बढ़ाया जा सकता है, मतलब आप इंफॉर्मेशन नॉलेज इकट्ठा कर सकते हो, अपने आप को टैलेंटेड बना सकते हो। आप जैसे क्या करते हो, आप अब आपको एसएससी की तैयारी कर रहे हो, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, आपके अंदर टैलेंट कम है, आप क्लासेस अटेंड कर रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके टैलेंट बढ़ रहा है, और एक समय में आप पेपर निकाल भी लेते हो। आपको कार चलाने नहीं आता, आपके पास कार चलाने का टैलेंट नहीं है, लेकिन आप सीखते हो और अपने आप को टैलेंटेड बनाते हो, ठीक है ना। वो बाई बॉर्न वाला टैलेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज को आप इनहेरिट जो होता है वो अलग चीज है, लेकिन आप पैदा कर सकते हो, बट माइंड को सेट कीजिए पहले आप। तो जो गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं कि जब तक आपका माइंड सेट नहीं है, कोई भी माइकल लाल इंग्लिश आपको नहीं सिखा पाएगा। तो सबसे पहले तो माइंड को सेट करो, और माइंड को सेट करने का गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं, हेजिटेशन आपको हटाना पड़ेगा कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया में दो ही प्रकार के लोग महान बन पाते हैं, मतलब सक्सेसफुल है, पता है कौन? एक जो गजब की पर्सनालिटी लेके रखा हुआ, भयंकर कॉन्फिडेंट है वो, एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, ठीक है ना, अरुंधति राय अगर आप बोल लीजिए, कल्पना चावला बोल लीजिए आप, सचिन तेंदुलकर, गजब की उनकी पर्सनालिटी है ना, हार्दिक पंड्या है, धोनी है, विराट कोहली है, ठीक। और दूसरा होता है, एक तो मैंने कहा टैलेंटेड मतलब एकदम हाईली पर्सनालिटी वाले, और दूसरे होते हैं बेशरम टाइप के लोग, अरविंद केजरीवाल टाइप के लोग, सॉरी कोई आम आदमी पार्टी वाला होगा तो उससे ऐसा बेशरम आदमी मैंने देखा भाई। और आप अपने कॉलेज में भी देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे बेशरम बच्चे होते हैं जो मुंहफट होते हैं, आज अच्छे करियर बना के रखे हुए।
तो या तो हाईली पर्सनालिटी वाले इंसान बन जाओ या तो बेशरम बन जाओ। बेशरम मतलब छिछला गड़ा, फर्क ही नहीं पड़ता, भाड़ में जाए दुनिया मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं अपने क्लास में लोगों को पहले बेशरम बनाना सिखाता हूँ कि बेशरम बनिए, जहां मुंह आए उठा के इंग्लिश बोल दीजिए। रेस्टोरेंट में बैठे हो बोल दो इंग्लिश, बाहर खड़े हो बोल दो इंग्लिश, ट्रेन में हो बोल दो इंग्लिश, चिल्ला चिल्ला के बोलो। मेरा एक दोस्त था आनंद ठाकुर, बड़ा बेशरम आदमी था। जब हम खाना खा के टहलते थे सामने से ऐसे हिंदी में बात करेगा, जैसी लड़कियां आएंगी वो इंग्लिश में शुरू हो जाता है। वो इस टाइप का आदमी था, बड़ा बेशरम, और आज अच्छी इंग्लिश बोलता है। मेरे साथ का पढ़ा हुआ हिंदी मीडियम का, कोई क्लास कोचिंग नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कोई बुक्स नहीं, बेशरम आदमी। तो आप देख लीजिए, अगर आप अपनी पर्सनालिटी गजब कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं कर सकते हो तो भाई बेशरम बन जाओ। यही दो लोग जीवन में सफल हुए, बीच वाले लोग बीच में ही रह जाते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। नहीं भाई पॉलिटिक्स नहीं पढ़ा रहा। तो पहला गुरु मंत्र दिया कि हम अपने माइंड को सेट करें और हमको बेशरम बनना है। बेशरम इन द सेंस कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, दिस इज नॉट माय बिजनेस। आप मेरे बारे में क्या सोचते हो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भूखे हजार। ये एटीट्यूड लेके चलोगे तो ही जिंदगी में कुछ काम कर पाओगे, नहीं तो मैं बता दूं दुनिया बड़ा जाली में। दोस्तों आज पर्सनालिटी डेवलपमेंट टाइप का क्लास चल रहा है, याद रखिए दुनिया में आपके लिए कोई अच्छा सोचने वाला नहीं है। आपके माँ बाप अच्छा सोचेंगे और आपके दोस्त यार, इसके अलावा कोई अच्छा नहीं सोचेगा। ये प्रकृति है, ये नेचर है, कोई अच्छा नहीं सोचने वाला। तो आप किसकी चिंता कर रहे हो, उन लोगों की? दे विल डिसाइड देयर करियर। जो लोग तेरे तुम्हारे ऊपर हंस रहे हैं, आपके ऊपर हंस रहे हैं, वो लोग डिसाइड करेंगे क्या आपके करियर? नो भैया, उनकी औकात नहीं कि मेरी करियर वो लोग डिसाइड करें, मेरी करियर मेरे हाथ में ही है। और याद रखिए, एक इंसान आपके लिए मरते दम तक अच्छा सोचेगा, मरते दम तक अच्छा सोचेगा। कोई बता सकता है वो इंसान कौन है? एक इंसान मरते दम तक आपके लिए हमेशा अच्छा सोचेगा और हमेशा साथ में रहेगा। नो, खुद आप, याद रखिएगा, खुद आप। न मां न बाप, मां बाप भी साथ देंगे, लास्ट लास्ट तक साथ देंगे, लेकिन हो सकता है कि वो भी हाथ हटा दे, हट साला, नहीं है तू मेरा बेटा, निकल जहां से, मर गया तू मेरे लिए। हो सकता है कभी वो भी आ जाए, लेकिन एक इंसान है जो मरते दम तक खुद myself अपने लिए अच्छा सोचोगे। तो मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है ये बाहर के लोग डिसाइड नहीं करेंगे, तो उनके लिए हम क्यों चिंता करें? तो हमको मन में आता अपन इंग्लिश बोलेंगे, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लाइन है ना, क्या कहेंगे लोग, दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, भाड़ में जाए मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता है। तो ये एटीट्यूड लेके जब आप चलेंगे, फिर आपको अंग्रेजी बोलने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। ये मैं चैलेंज और दावा के साथ कह रहा हूं। तो पहला गुरु मंत्र ये है कि हमको बेशरम बनना है और दूसरों का ख्याल नहीं करना है। ठीक, चलिए अब और काम काम की बातें मैं बताते चलता हूं। लास्ट लास्ट में भी मैं टेक्निकल बातें भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अंत तक बने रहेंगे। बहुत सारे बच्चे एकदम कट टू कट पढ़ना चाहते हैं, बट मेरी ऐसी आदत नहीं है कि एकदम कट टू कट मैं बता दूं भाई। कोई चीज को समझाने से पहले माहौल तो भी तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, अंग्रेजी सीखने के लिए तीन बातों पे ध्यान देना पड़ता है। पहला होता है, मैं हिंदी में बता रहा हूं ना, लगन। दूसरा होता है माहौल, और तीसरा होता है मार्गदर्शक। फर्स्ट योर डेडिकेशन, इंग्लिश में बता देता हूं। सेकंड होता है योर एटमॉस्फेयर, और थर्ड होता है गाइड। ये अगर आपके पास तीनों है तो आप अच्छा इंग्लिश बोल पाओगे। डेडिकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, किसी भी चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो डेडिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो लगन होगा तभी तो निकलेगा। ऐसा नहीं कि जूस जूस में आपने चार पांच क्लास ज्वाइन किया, दो चार किताबें ले आए, अच्छे से दो चार दिन पांच दिन पढ़े, लगन दिखा, उसके बाद स्वाहा। नो, डेडिकेशन मतलब लंबे समय तक। दूसरा, ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माहौल की कमी। आप मेरे को बोलिए कि सर मैथ्स पढ़ाइए अकेले में, मैं पढ़ा दूंगा। ठीक है, आप बोलोगे इंग्लिश ग्रामर पढ़ा दीजिए, पढ़ा दूंगा। आप बोलेंगे कि सर साइंस पढ़ा दो, कोई पढ़ा देगा आपको। आपको बोलेगा सर ड्राइविंग सिखा दो, कोई आपको सिखा देगा। इंग्लिश बोलना सिखा दो, नहीं सिखा पाएगा। उसके लिए चाहिए माहौल, क्योंकि लैंग्वेज इट्स नॉट अ वन टू वन कम्युनिकेशन। इसमें लोगों की जरूरत पड़ती है।
जब तक अच्छा माहौल नहीं बनेगा तब तक आप लैंग्वेज नहीं सीख पाओगे। देखिए सब्जेक्ट के रूप में इंग्लिश को सीख जाओगे, सब्जेक्ट मतलब वही डू एज डायरेक्ट नरेशन पैसिव वाइज प्रेपोजिशन कंजंक्शन ये सब सीख जाओगे, बट वो एक सब्जेक्ट बस मात्र हो 50 नंबर का। बट मैं तो बात कर रहा हूँ लैंग्वेज का, लैंग्वेज का ना ओर एंड छोर है, ठीक है। माखनलाल चतुर्वेदी हमारे राष्ट्रीय कवि हिंदी के, वो बोलते हैं कि मैं 0.1% हिंदी जानता हूँ। अब जब राष्ट्रीय कवि हिंदी का बोलता है मैं 0.1% हिंदी जानता हूँ, तो हम लोग कितने हिंदी जानते हैं, और इंग्लिश तो भूल जाओ। तो माहौल, अब आपके मन में आ रहा होगा सर सवाल, सर डेडिकेशन तो है, माहौल कहाँ, माहौल ही तो नहीं है, है कि नहीं, बात सही। सर डेडिकेशन भी है मेरे पास, भयंकर डेडिकेटेड हूं मैं, एकदम गोवर्धन पर्वत उठा लूंगा मैं, तो सर माहौल नहीं है, कैसे करूं, मैं तो फलाने शहर में रहती हूँ सर, माहौल नहीं क्या करूं। तो बेटा याद रखना, जिंदगी में माहौल मिलता नहीं है, माहौल बनाया जाता है। अभी होली आने वाला है तो आप क्या कर रहे होगे, कुछ लड़के माहौल बना रहे होंगे, भाई अपन मिलते हैं तो मेरे घर आना, ये लेके आना, वो लेके आना, ये पकाएंगे, वो पिएंगे, ये खाएंगे, वहां चलते हैं। आप क्या करते हो, माहौल बना लेते हो, लड़कियां भी माहौल बना लेते हैं, अगर मूवी जाना है तो माहौल बन जाता है, पिकनिक जाना है तो माहौल बन जाता है, आप अपने काम के लिए माहौल बना लेते हो। लेकिन इंग्लिश के लिए क्या बोलते हो कि मेरे को रेडीमेड चाहिए, नो भैया माहौल बनाना पड़ेगा, समझ में आ रहा ना। अब माहौल कैसे बनाओगे, तो 50 लोगों का लिस्ट बनाओ, अपने दोस्त यार आस पड़ोस रिश्तेदार का, और उसमें से देखिए, अरे कम से कम 3 लोग तो ऐसे इंसान मिल जाएंगे जो इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं, बन गया माहौल, जोड़ लो उनको अपने साथ, एक ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप में, आप अपने कोचिंग में या क्लास में या किसी स्कूल या कॉलेज में जा रहे हो, यार कुछ तो ऐसे 4-5 लोग होंगे। चंदन मोहंती बोल रहे हो, नो वन, मैं मान ही नहीं सकता, आपके शहर में कोई ना कोई तो होगा, और टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, अब तो शहर की बात नहीं है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाता है व्हाट्सएप में, तो आप बताइए, हम तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अभी जस्ट मैं क्लास लेके बैठा हूँ, 11 से 12 में क्लास लिया हूँ, कैन यू बिलीव। लंदन की एक लेडी थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, दुबई की एक लेडी थी, साइप्रस से भी एक लेडी थी, करीब 8-9 लोग को मैं भी ऑनलाइन क्लास पढ़ाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, क्यों आएगी वो भिलाई जैसे शहर पे मेरे पास पढ़ने के लिए, और मैं क्यों जाऊँ लंदन। तो आप भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो टेक्नोलॉजी को यूज करो ना यार। अब आप ये भी नहीं बोल सकते कि सर टेक्नोलॉजी महंगा है, भाई 4000 में मोबाइल आ जाता है, जियो का सिम आ जाता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हो 4 लोग 5 लोग, तो ऐसे अगर आप ढूंढोगे ना तो 4-5 लोग मिल जाएंगे, ठीक है। तिवारी तिवारी, मैं सीखना चाहता हूं। बंटी बागड़े, आपका नंबर दे दो सर, मैं आपको, भाई मैं तो भयंकर बिजी हूं, मैं तो केजरीवाल से भी ज्यादा बिजी हूं, मेरी 7 ऑफलाइन क्लासेस चलती है, 3 बार मैं अनअकैडमी में आता हूं, और 1 बार पर्सनल में खुद में भी जाता हूं, ठीक है, पर्सनल में अपने यूट्यूब चैनल पे, उसके बाद फिर मैं पर्सनल ट्रेनिंग और देता हूं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, पर्टिकुलर एक को मैं एंटरटेन कर ही नहीं सकता, सबसे बड़ी समस्या है। और मैं चलो मैं थोड़े समय के लिए उपलब्ध हो भी जाऊंगा, बट ज्यादा समय के लिए नहीं हो सकता ना, तो आप ऐसे लोगों को चुनो जो आपकी जरूरत के लोग हैं, ठीक है। मेरे चैनल का नाम है देव स्पोकन इंग्लिश। अब मार्गदर्शन, तो मार्गदर्शन भी चाहिए आपको भैया, कि कहीं गलती कर रहे हो या कोई गड़बड़ हो रहा है तो कोई बताने वाला हो, तो मार्गदर्शन भी आप करिए। अब इसके लिए आप बुक का सहायता लेंगे और यूट्यूब का सहायता लेंगे। यूट्यूब में मैं आपको भी बताऊं, कम से कम 7-8 ऐसे बड़े बढ़िया बढ़िया एजुकेटर्स हैं, उनकी आप मदद ले सकते हैं भैया, ठीक है। और बुक्स भी काफी अच्छे अच्छे बुक्स मार्केट में है, तो आप इसकी आप मदद लीजिए। सर रूलर एरिया में तो बहुत डिफिकल्ट है, कोई दिक्कत नहीं यार बंटी बागड़े, कहाँ रूलर और कहाँ तुम उसकी बात कर रहे हो यार, ये पाषाण युग वाली तुम बात मत करो, 1976 की बात मत करो, 2020 चल रहा है, कोई चीज आपके करीब मतलब दूर है ही नहीं, सब फिंगर एक क्लिक पे है, एक क्लिक करोगे लंदन में भी बैठा वाला आदमी आपसे बात कर लेगा, एक क्लिक करोगे जयपुर में बैठा वाला भी इंसान से आप कनेक्ट हो जाओगे, एक क्लिक करोगे कन्याकुमारी में बैठा इंसान भी क्लिक हो जाएगा, कहां लगे हो यार, टेक्नोलॉजी हाई हो चुका है, टेक्नोलॉजी को यूज करो यार, समझ में आ रहा है। तो पहला जो बात मैं बता रहा हूं कि आपको मार्गदर्शन भी चुनना है, तो उसमें बुक की सहायता लीजिए या फिर आप यूट्यूब की आप सहायता लीजिए, नोट्स तैयार कीजिए, क्लियर है। 44 मिनट हो चुके हैं, अब लास्ट में आपको 5 टिप्स दे रहा हूं, नोट कर लेना है तो नोट कर लो, दिमाग में कॉपी में जिसमें भी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट आपको मैं बात बताने जा रहा हूं।
तो पहला टिप है आपको पार्टनर ढूंढना है, ठीक है। तो एक पार्टनर ढूंढिए जिससे आप इंग्लिश से ज्यादा बात कर पाएंगे, गलत सलत टूटा फूटा। और नहीं मिलता है तो मैं बताऊं, चलो तो वो गरीब लोगों को भी मैं टिप दे देता हूं कि जिनके पास पार्टनर नहीं है तो गूगल में आप देखिए क्या बोलते हैं, वो गूगल में वो जो है ना गूगल हेलो करके जो रहता है, क्या बोलते हैं यार इसमें, जैसे मोबाइल में जो हम यो एलेक्सा, एलेक्सा है, या फिर जैसे मोबाइल पे भी आप जैसे देखते हैं ना, तो वहां पर जब आप वॉइस की बात करते हैं, हेलो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ मुंबई, तो यहां से भी आप इस मोबाइल के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। हाँ, गूगल असिस्टेंट, ठीक है, इससे भी आप बात कर सकते हो, हेलो हाउ आर यू, हेलो व्हाट्स योर गुड नेम, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश स्टॉक एक्सचेंज। ये आप गूगल असिस्टेंट से भी बात कर सकते हैं, बड़ा अच्छा ये लोग बात करते हैं, नाम पूछिए, आइडियाज लीजिए, इससे भी आप बात कीजिए। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप गूगल को पार्टनर बना लीजिए। आईफोन है तो शीरी को आप कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट को कर सकते हो, या फिर एलेक्सा को कर सकते हो, ठीक है। दूसरा जो आपको काम करना है, जो मैं आपको मैं बता रहा हूं आज के बाद से, ठीक है। देखिए, किसी आदमी ने कहा है कि अगर आपको महान बनना है तो महान बनने के लिए आपको अपनी आदतें बदलनी पड़ेगी, या आदतों में अच्छी बातों को जोड़ना पड़ेगा। और जिस काम को अगर आप 20 दिन तक लगातार कर देते हो, वो आपकी आदत बन जाती है। तो अच्छे काम को आप 20 दिन तक करेंगे, आपकी आदत बन जाएगी। तो या तो अपनी आदतें सुधारें, या तो आदतों में कुछ अच्छे चीज को जोड़ें। तो पहला जो मैंने बात बताया था कि आप एक काम शुरू कीजिए कि गूगल से बात करें, या फिर एक पार्टनर ढूंढिए जिससे आपको चर्चा करना है। दूसरा, इंग्लिश इंप्रूव करना है आपको, तो ये जो राइटिंग का जो आप काम करते हो, आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप या ट्विटर या एफबी में हो गए, ठीक है। आज से ना हिंदी टाइप कम कर दीजिए, या कोशिश करो कि बंद कर दो, कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश में आप टाइप करके मैसेज को प्रदान कीजिए। जैसे फेसबुक में आप होली का भी मैसेज आप देना चाहते हो, तो आप क्यों लिखते हो कि सभी को होली मुबारक, है ना, विश यू हैप्पी होली टू ऑल माय फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर। अरे इतना यहां से स्टार्ट करो ना यार, आज जैसे वुमेन्स डे, चलिए हाँ थैंक यू, आज अच्छा याद आ गया, सभी को दैट आई रियली विश यू अ हैप्पी वुमेन्स डे, एंड रियली बींग द पार्ट ऑफ दिस अर्थ, आई रियली आई एम ब्लेस्ड विथ माई मदर, शी इज दैट फर्स्ट एंड लास्ट लेडी दैट रियली आई मीन्स दैट आई एम जस्ट गुड फॉर नथिंग, आई एम जस्ट जीरो विदाउट माई मदर, तो रियली आई विश यू एवरीबडी हैप्पी वुमेन्स डे। इस तरह से लिख दो ना यार। तो आज से लिखने की आदत सबसे पहले शुरुआत कीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, ट्विटर यूज करते हो, जो भी जहां का सोशल नेटवर्क से जुड़े हो ना आप लोग, जैसे भी आप मुझे मैसेज कर रहे हो, तो क्यों, जैसे आप लिखो ना यस सर मैं रूरल एरिया से हूं, क्यों लिख रहे हो सर आई एम फ्रॉम रूरल एरिया, बोलो ना, कोशिश करो इंग्लिश में लिखने का। सर मैं सीखना चाहता हूं, तो लिख दो ना सर लर्न वॉन्ट लर्न, टूटा फूटा ही गलत सलत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे बच्चे ने लिखा है हैव टू क्रिएट एटमॉस्फियर, बहुत अच्छा है, उत्तम रहे, वेरी नाइस, 3 महीने से मेरी किताब पढ़ रहे, चलो कुछ तो फायदा हुआ, शाबाश, ठीक है। सर अच्छी इंग्लिश सीखने के लिए मैं फॉरेन की गर्लफ्रेंड बनाई है, बंटी बागड़े, किस्मत वाले भैया, यहाँ तो लड़कों को तो गर्लफ्रेंड नहीं मिल रहा है, तुमने फॉरेन वाले पटा लिए, कहाँ है तुम्हारे चरण, ला तो काट दूं मैं, बुरा मत मानना यार, ठीक है, शाबाश। तो पहला टिप दिया था कि पार्टनर ढूंढना है, दूसरा टिप मैं दे रहा हूं कि राइटिंग में आपको काम करना है। देखिए, सब चीजों को जोड़ोगे तो पूरी इंग्लिश ओवरऑल इंप्रूव होगा, आपको लिखना पढ़ना बोलना सुनना सारा कुछ, ठीक है। तो आज से लिखने की आदत डालिए, थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन दो दो लाइन लिखना शुरू करिए, ठीक है। और कोशिश करिए, मैं आप बिल्कुल मैं बता रहा हूं, कभी भी शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग ना करें भैया। ये जैसे देखिए, बहुत अच्छा बच्चे ने लिखा है स्नेहा ने, गुड आफ्टरनून सर, पूरा का पूरा गुड आफ्टरनून सर टाइप किए, नहीं तो क्या करते हो तुम लोग, गुड नाइट को जीएनटी कर देते हो, गुड आफ्टरनून को जीए कर देते हो, गुड मॉर्निंग को जीएम कर देते हो, भैया बहुत खतरनाक है ये इस तरह से कभी भी इंग्लिश। कॉन्ग्रेचुलेशन तो अलग कोई लिखता ही नहीं है, पूरा कॉन्ग्रेचुलेशन को कॉन्गो या कुछ और शॉर्ट फॉर्म में 4 अक्षर में लिख देता,
तो इस तरह से नहीं करना है। मेरे क्लास में एक बच्चा, मैं उसको बोला कि यू आर कमिंग, उसका तुम आ रहे हो, उसका इंग्लिश करो, तो उसने पता क्या लिखा था, यू आर कमिंग, ये था, ये उसका इंग्लिश था, यू आर कमिंग। ऐसा नहीं करने का भाई, इससे बचने का है। तो आज के बाद से आदत डालिए कि इस टाइप से इंग्लिश नहीं लिखने का, समझ में आ गया। तो दूसरा गुरु मंत्र मैं आपको दे रहा हूं कि लिखने की हैबिट को आप बदलिए। व्हाट इज द नेम ऑफ योर, पता नहीं यार मेरे को अलाउड है कि नहीं यहां पे बताना, चलो ठीक है, देखते हैं क्या होता है। देव स्पोकन इंग्लिश, ठीक है, मैं मैसेज कर दिया। तो आप लिखने की आदत डालेंगे, ठीक है, और वो भी पूरा लिखने की आदत डालेंगे, आज से आदत चेंज कीजिए। तीसरा, रीडिंग, पढ़ना शुरू करो। आप में से आई हैव नॉट गॉट दिस टाइप ऑफ हैबिट, उत्तम रहे तो हैबिट बनाएगी ना बेटा, अच्छी हैबिट बनाओगे तब तो बात बनेगा। तो अगला हैबिट मैं आपको बता रहा हूँ रीडिंग का। आप में से ईमानदारी से बताइए कितने लोग रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, यस वाई और एन टाइप करके बताइए, न्यूज़पेपर जो जो पढ़ते हैं, इंग्लिश का ना, हिंदी नहीं, इंग्लिश वाला। रोहित दास बस पढ़ रहा है, बाकी तो सब। अब बताओ बेटा, तुम लोग खुद सोचो, खुद सोचो आप। अब अगर पेपर पढ़ ही नहीं रहे हो तो इंग्लिश कहां से इंप्रूव होगा यार, ठीक है। तो अगला हैबिट डालिए कि घर में ना जबरदस्ती एक तो पेपर बनवा लीजिए, कोई भी आपके शहर में जो पेपर आता है ना, टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, जो भी आपके इंग्लिश का पेपर आता होगा उसको बनवा लीजिए, समझ में आया ना, ठीक है। शुरू शुरू में ऐसा होगा कि ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन क्या होगा, धीरे से 10-15 दिन के बाद आपको पेपर पढ़ना आ जाएगा। पेपर कैसे पढ़ा जाता है इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक स्पेशल वीडियो बना चुका हूँ, उसको जाके सर्च कर लेना, मिल जाएगा, ठीक है। और एक बच्चे लोग सबको बोलूंगा, भाई मेरे को फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी में, ठीक है ना, प्लीज। तो उससे क्या होगा, टाइम से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और क्या क्या जो करते हैं वो सब कर लेना, मुझे तो ज्यादा आइडिया है नहीं, ठीक है ना। तो एक रीडिंग की हैबिट डालिए आप लोग, पेपर पढ़िए, पेपर पढ़ना इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हैबिट ऑफ योर लाइफ। पेपर पढ़ने से आपका ग्रामर ठीक होता है, वोकैबुलरी ठीक होता है, फ्रेजेस, इडियम्स, सारे चीजों की जानकारी मिलती है, आपका स्पेलिंग भी ठीक होता है। बहुत सारे बच्चे जिनको स्पेलिंग नहीं पता होता वहां पे पता चल जाएगा आपको, तो स्पेलिंग, ग्रामर, वोकैबुलरीज, और फोकट में जनरल नॉलेज भी इंप्रूव हो रहा है। तो एक हैबिट आप डालिए आज से, पता करो कि आपके शहर में कौन सा अच्छा पेपर आता है, उसको बनवा लीजिए, डेली डालो। मान लो 2-4 दिन तक नहीं पढ़ोगे तो बेटा तुम्हारे पापा डंडा लेके पीटेंगे, पेपर बंधवा लियो, महीने का 100 रुपया बिल आ रहा है, 150 पढ़ते क्यों नहीं, हाँ हाँ पढ़ो। तो शुरू शुरू में दिक्कत होगा, फिर आदत बन जाएगा कम से कम। और एक और चीज, पढ़ते समय केवल वही आर्टिकल पढ़ना है जो आपका फेवरेट है, ये नहीं कि मुंह उठा के कुछ भी पढ़ रहे हो, मत पढ़ो। 24 पेज का अगर कोई पेपर आता है तो यू हैव टू रीड योर फेवरेट आर्टिकल। मेरा फेवरेट आर्टिकल है स्पोर्ट्स, मैं क्रिकेट हमेशा, मैं क्रिकेट का मेरे को कीड़ा है, अभी मैं 12-1 बजे भागते हुए जाऊंगा, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच भी मुझे देखना है। मैं वो इंसान हूं कि मैं तो रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं छोड़ता, वो भी टेस्ट मैच का, इतना कीड़ा है मुझे। तो मैं स्पोर्ट्स में बराबर क्रिकेट का पढ़ता हूं, समझ में आ गया ना। तो एक आदत डाली, अच्छा पेपर पढ़ने की आदत नहीं है तो भैया नॉवेल पढ़ना शुरू करो। नॉवेल भी कौन सा पढ़ना है, सस्पेंस, थ्रिलर, मर्डर मिस्ट्री, बड़ा मजा आता है। मर्डर मिस्ट्री पढ़िए, थ्रिलर पढ़िए, जाइए। और सबसे अच्छा किताब कहाँ मिलेगा आपको, रेलवे स्टेशन जाइए, रेलवे स्टेशन में मर्डर मिस्ट्री वाला जरूर मिल जाएगा। या उसको आप बुक सेलर को बोलो यार कोई इंग्लिश में बकात कोई बढ़िया मर्डर मिस्ट्री वाला दीजिए, जैसे हिंदी में बड़ा मजा आता था, है ना, वो क्या पाठक करके जो है ना, बड़ा शरद चंद का कवि है जो मर्डर मिस्ट्री, मतलब समझ भी नहीं आता कि यार। एक किताब को मैं नाम बताता हूँ, अमेजन से खरीद लेना, गॉन गर्ल, ये लो लिख लो, गॉन गर्ल। लड़का लड़की साथ में रहते हैं, लड़की गायब हो जाती है, उसका मर्डर हो जाता है, ठीक है, उस लड़के के ऊपर डाउट, स्टोरी बता दूं क्या, फिर पढ़ना ही बंद कर दोगे, फिर लड़के के ऊपर डाउट आता है, फिर लास्ट में देखना खेल होता है, इतना जबरदस्त स्टोरी है, आपको नींद नहीं आएगा। आप लोग में से ईमानदारी से बताइए, नेटफ्लिक्स का सेक्रेट गेम्स कितने लोग ने देखा है, सेक्रेट गेम्स पार्ट 1, यस या नो, हाँ,
अरे नो लिखे कौन कौन है भाई तिवारी नो। ओ माय गॉड, सेक्रेड गेम्स नहीं देखे हो नेटफ्लिक्स में? बड़ा ताजुब की बात हो रही है भाई। मिर्जापुर घोल, ओ हो, किस दुनिया में हो भैया तुम लोग? अच्छा अब ईमानदारी से बताइए, जिन लोगों ने सेक्रेड गेम्स का पहला पार्ट देखा बेटा, दूसरा भी झक मार के देखना पड़ा होगा, तीसरा भी, 10 का 10 पार्ट। मैं तो रात के 4 बजे तक देखा, मेरे को कंप्लीट करना ही पड़ा। ऐसा वो मिस्ट्री क्रिएट कर देता है कि नशा लगा देता है, आपको पूरा देखना पड़ेगा। मिर्जापुर का भी वही हाल है, घोल का भी वही हाल है। तो ये जो नेटफ्लिक्स के जो सीरीज होते हैं भयंकर सस्पेंस वाले होते हैं, तो पढ़ना भी है तो बुक आप सस्पेंस वाला पढ़िए। जैसे गॉन गर्ल का मैं नाम लिया, एक पढ़ सकते हो। चेतन भगत की किताब है क्या, रिवॉल्यूशन 2020 या विजन 2020 है, वो भी एक बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लड़का लड़की प्यार करते हैं, लड़का फिर कोटा पढ़ने आईआईटी के लिए तैयारी के लिए चला जाता है, वापस आता है तो लड़की किसी और के साथ, उसका शादी होने वाला रहता है, फिर लड़के को जज्बा आता है, फिर कुछ करता है। बढ़िया स्टोरी है, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। तो ये एक आदत डालना है, ठीक है। चौथा आदत है भैया वॉचिंग न्यूज चैनल, ठीक है। अब ये भी आप लोग नहीं देखते होगे तो श्योर है, 15 मिनट से लेके आधा घंटे का रोज आपको न्यूज चैनल सुनना है, देखना है, आदत डालिए। जबरदस्ती देखो, ऐसे ऐसे बैठ के देखो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन देखो। एक दिन समझ में नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा, 3 दिन नहीं आएगा, 5वें 6वें दिन हाँ, आ रहा है आ रहा है, 7वें 8वें हाँ, आ रहा है। 15-20 दिन के अंदर काफी कुछ समझ में आना शुरू हो जाएगा। न्यूज चैनल पसंद नहीं है तो कार्टून देखिए इंग्लिश में, वो भी समझ में नहीं आ रहा है तो यूट्यूब में बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लोगों के लेक्चर्स आते हैं। जैसे सदगुरु का आता है, गोपाल दास का आता है, ओशो का आता है, या जिस धर्म को आप बिलोंग करते हैं उसमें इंग्लिश स्पीकर जरूर मिल जाएंगे। जैसे पर्सनली मैं ओशो को फॉलो करता हूँ, टैटू भी बना के रखा हूँ, नेवर बॉर्न नेवर डाइट, बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हैं ओशो, उनकी इंग्लिश सुन सकते हो। सदगुरु का, गोपाल दास का, ऐसे कितने सारे स्पीकर्स हैं अच्छे अच्छे उनकी आप इंग्लिश सीखना सुनना शुरू करो। तो या तो न्यूज चैनल, या तो कार्टून चैनल, या आज मैच है तो भैया क्यों स्टार स्पोर्ट्स 1 देख रहे हो, 3 में देखो ना, इंग्लिश आएगा। इंग्लिश में कुछ तो कान में घुसेगा, मैं बोलता हूँ 100 लाइन में आधा लाइन भी कान में घुसा और समझ में आ गया, मैं बोलता हूँ गंगा नहा लियो। आज आधा, कल 2, कल 4, 5, 10, 15, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, ड्रॉप्स में क्वेश्चन, समझ में आ गया। इंग्लिश पेपर कैसे पढ़ा जाए, ऑलरेडी एक स्पेशल वीडियो मैं दिनेश्वर बना चुका हूँ, उसके ऊपर आप देखेंगे, ठीक है। 5वां, स्टार्ट राइटिंग वर्क, लिखना शुरू करो, ठीक है ना, छोटे छोटे आर्टिकल्स लिखना शुरू करो। और कोशिश ये करो कि आप डायरी लिखना शुरू करें। अक्सर मैं लोगों को बोलता हूं कि अगर आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, देखिए इंग्लिश चारों तरफ से आप काम करेंगे तो होगा। जैसे एक पौधे को आपको अच्छा करना है तो केवल खाद डालने से नहीं होगा, आपको उसमें पानी भी डालना होगा, कीड़ों से बचाना भी होगा, सही तरीके से आपको उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। तो खाद पानी उसमें सारा कुछ करोगे तो जाके पौधा विशाल बनेगा। तो आपको इंग्लिश इंप्रूव करना है तो लिखना पढ़ना बोलना सुनना सब कुछ करोगे तो पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी आपकी अच्छी होगी, क्योंकि सब इंटरलेट है, सब इंटररिलेटेड है भाई। तो स्टार्ट राइटिंग वर्क, कोई भी टॉपिक के ऊपर छोटा छोटा लिखना शुरू करिए आप, समझ में आ रहा ना। जो भी, जैसे कि घर में खाली बैठे हो तो चलो इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल के ऊपर 10 लाइन लिख दिए, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश के ऊपर 10 लाइन लिख दीजिए, फैमिली के ऊपर लिख दीजिए, होली के ऊपर लिख दीजिए, तो ये लिखना शुरू करिए, ठीक है। और नहीं, सबसे अच्छा तरीका तो मैं बोलता हूँ डायरी लिखना शुरू करो आज से। शुरू के 10 लाइन जो लिखोगे या शुरू के 5 पेजेस इतने खतरनाक हो गए कि किसी से पढ़ा नहीं पाओगे, देना भी मत, पढ़ाना भी मत, इतना डेंजर लिखोगे आप लोग, बट धीरे से वो भी आ जाएगा आपका। कि जैसे कि आज मैंने एक बढ़िया सा डायरी खरीदी है, जैसे SBI वाले लोग जनरली देते हैं, स्टेट बैंक ऑफ वाले लोग, वो ले लीजिए, पेन उठाइए और लिखना शुरू करो। टुडे अर्ली इन द मॉर्निंग आई अटेंडेड देयर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड सर टॉट मी अबाउट दिस एंड दैट, इट वाज वेरी नाइस डेट, आई मेड अ प्लान टू सेलिब्रेट होली, माई फ्रेंड विल कम ऑन दैट डे, वी विल गो टू फलाना एंड दैट वी विल सेलिब्रेट। ऐसा कुछ भी लिखो ना, 8 लाइन 10 लाइन डेली डेली कुछ कुछ। फिर मैंने कल, मतलब आज मैंने फलाना सर का क्लास अटेंड किया, फिर अनअकैडमी मैंने राव सर की क्लासेस ली, थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो तो जाके आपकी फिर इंग्लिश इंप्रूव होता चला जाएगा, समझ में आ गया। 6वां है टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को जितना यूज कर सकते हो यूज कीजिए, बहुत सारे एप्लीकेशन उसको डाउनलोड करो जिसमें आप बोलोगे रिप्लाई करेगा, आप बोलोगे इंग्लिश में टाइप करेगा,
गूगल से रिलेटेड बहुत सारा है, जैसे कि गूगल ट्रांसलेट है, कोई आर्टिकल हिंदी इंग्लिश में लिखा है समझ में नहीं आ रहा, फोटो खींचिए बगल में पूरा का पूरा हिंदी ट्रांसलेट कर देगा, बोलोगे इंग्लिश में टाइप होता चले जाएगा, बोलोगे तो रिप्लाई करता चले जाएगा। जूम एप्लीकेशन है जिससे आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, तो ऐसे कितने सारे कैम्बली करके के एप्लीकेशन है उसको आप यूज कर सकते हो, टॉकिंग डिक्शनरीज है, तो जितने भी आपके पास टेक्नोलॉजीज है उसको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करने का प्रयास कीजिए, फिर देखिए आपका फर्क क्या होगा। क्लियर? तो ये मैंने कुछ आपको 6 टिप्स दिए, फटाफट रिवाइज करा देता हूं। इंग्लिश बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश इज द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी, नॉट द पार्ट, इंग्लिश इज द पर्सनालिटी। ठीक है, आप क्या हो लोग आपको इंग्लिश से जज कर रहे हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, मिस फॉर्च्यून है कि आपको इंग्लिश से जज किया जा रहा है, गलत बात है बट हो रहा ही है। ठीक, इंग्लिश सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और प्रैक्टिस करने के बाद जो गलती करते हो उसको सुधारने के लिए ग्रामर की जरूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं पहले इंग्लिश बोलना सीखो फिर सही बोलना सीखो। समझ में आ गया? दूसरी बात मैंने बताया था कि बड़ा आदमी बनना है तो या तो जबरदस्त पर्सनालिटी अपनी ठीक कर लो या तो बेशरम बन जाओ। अब नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट, बड़ा आदमी बनना है बन जाइए, नहीं बन सकते हो जो सबसे आसान है हमारे जैसे लोगों के लिए बेशरम बन जाओ, छिछला गड़ा, फर्क ही नहीं पड़ता तू क्या सोचता है मेरे बारे में, भाड़ में जा, मैं गलत बोलूं या सही बोलूं वो तेरा प्रॉब्लम नहीं हो मेरा प्रॉब्लम है, मेरा करियर है मैं जानूंगा तू नहीं जानेगा, पड़ोस में क्या हो रहा है मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, और तू मेरे घर में भी इंटरेस्ट मत ले क्योंकि तू डिसाइड नहीं करेगा कि मैं कौन हूं, दैट्स नॉट योर बिजनेस एंड दिस इज नॉट माई बिजनेस दैट व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी, सीधी सी बात है। तो अपने को बेशरम बनना है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि अंग्रेजी सीखने के लिए प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। ठीक, प्रैक्टिस के साथ साथ फिर आपको मैंने 3 बातें बताया था कि एक अच्छा लगन, माहौल और मार्गदर्शन। लगन आपके अंदर है इसलिए अभी तक मेरा वीडियो आप देख रहे हो, जिनके अंदर लगन नहीं है वो पलटी मार के कहीं और चला गया होगा, लगन है इसलिए आप तक रुके हुए हो। दूसरा, माहौल मिलता नहीं है बनाना पड़ता है, माहौल आज बनाएंगे, ढूंढो 50 लोग का नाम लिखना आज, कौन कौन मेरे दोस्त है पड़ोस में रिश्तेदार हैं जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं या जिनकी इंग्लिश अच्छी है, भाई बात करो यार मिलके सीखते हैं प्लीज, आधा घंटा 15 मिनट मिलते हैं, कम से कम ग्रुप में बात करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेंगे, 3 आदमी भी मिल गया ना भाई बहुत है। ठीक है, और मार्गदर्शन, मार्गदर्शन के लिए या तो अगर कोई जो अच्छा इंग्लिश का जानकार है उनसे आप मिलिए, ठीक है, नहीं है तो अच्छी बुक्स लीजिए, और बुक्स का कलेक्शन चाहिए, एक बुक से काम नहीं चलेगा, 4-5-6 किताब लीजिए, और जितने भी YouTube में अच्छे अच्छे इंग्लिश सिखाने वाले हैं सबके चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं नहीं कहता कि बस मेरा करो, और भी है जैसे आदित्य राणा बड़ा अच्छा सिखा रहा है, लेट्स टॉक वाला है एक अच्छा है, DSL वाले अच्छे हैं, सब हमारे भी खुद अनअकैडमी में कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, सबको सब्सक्राइब करो, सबके वीडियो को देखना शुरू करो। ठीक, अब इसके बाद मैंने ये 6 बातें बताई, पार्टनर ढूंढना है, राइटिंग में आपको ध्यान देना है कि आज के बाद से कोई भी सोशल नेटवर्क में अगर आप टाइप कर रहे हो भाई इंग्लिश में टाइप करो, किसी को विश कर रहे हो इंग्लिश में करो, और पूरा पूरा लिखना है। रीडिंग के बारे में मैंने बताया आपको, बुक्स पढ़ना शुरू कर दो, मैगजीन पढ़ना शुरू कर दो, पेपर आज बंधवा लीजिए, ठीक है, डेली आपके घर पेपर आना शुरू हो जाएगा, एक आर्टिकल को पढ़ना शुरू कर दो डेली, स्पोर्ट्स या बिजनेस या पॉलिटिक्स या आपका लोकल खबर जो भी आपको पसंद है इंग्लिश में पढ़ना शुरू करो, नहीं समझ में आता है तो फिर 1-2-4 आप बढ़िया से नॉवेल पढ़ना शुरू करो, खरीद नहीं सकते तो फिर नेट में अवेलेबल है PDF फॉर्म उसको देख लीजिए। न्यूज चैनल आपको देखना शुरू करना है 15-20 मिनट, या कमेंट्री को आप सुनना शुरू कीजिए, या फिर कोई कार्टून आपको पसंद है तो कार्टून देखना शुरू कीजिए, या मूवीज वगैरह तो मूवीज, और नहीं समझ में आता है तो YouTube में बहुत सारे स्पीकर्स हैं उसका इंग्लिश सुनना शुरू कर दीजिए। ठीक है, राइटिंग का मैं बताया था, लिखना शुरू करो आज से थोड़ा थोड़ा, 4-4, 6-6, 10-10 लाइन, और डायरी बनाना शुरू करो, डायरी में थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो, समझ में आ गया। और टेक्नोलॉजी तो भरपूर यूज करो यार, जितने भी एप्लीकेशन है जितने भी जहां जहां से आपको काम का हो सकता है सब डाउनलोड मार के रखिए। क्लियर है यहां तक? तो होप सो कुछ खास बढ़िया काम की बातें मैं बता पाया, मेरे जैसा आदमी जिसको मंडे की स्पेलिंग नहीं पता था अगर वो पढ़ा सकता है और हजारों लोगों को पढ़ा सकता है तो यार कम से कम आप लोग तो इंग्लिश बोल ही सकते हो, तो ऐसा कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं देवतीर्थ साहू, द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश क्लासेस एंड एजुकेटर इन प्लस अनअकैडमी में, होप सो आपको चीजें बहुत पसंद आई होगी, थैंक यू वेरी मच, आप लोग मेरी बातों को इतना पेशेंटली सुना, धैर्य से सुना, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दिए गए टिप्स आपके लिए हेल्पफुल होंगे, और आज वीमेंस डे के दिन मैं ऐसा कामना करता हूँ कि आप अपने जीवन पे बुलंदियों तक पहुंचेंगे, अच्छी इंग्लिश के माध्यम से आप अपना करियर बना पाएंगे। इन्हीं शब्दों के बाद साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ, थैंक यू वेरी मच, और आने वाले समय में फिर से मिलेंगे, मैं कुछ और टॉपिक लेकर आऊंगा।
तो चलिए बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड वंस अगेन हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल माय फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय.